हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू जस्ट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम 10 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जाकर ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। महाराष्ट्र के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि औरंगाबाद एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD द्वारा प्रकाशित हालिया अनुमानों के अनुसार कौन सी अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में डेनिस शिमगल कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो डेनिस शिमगल यूक्रेन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, पांचवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि श्रीलंका पांचवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मिशन भागीरथ के तहत एक समर्पित निगरानी सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया है तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन, सरकार ने 2022 तक स्व सहायता समूहों, जिसे इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए कितने नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की योजना बनाई है? तो देखिए दोस्तों, नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की योजना है 14 लाख, जो कि 2020 में बनाए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों 2022 तक 75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्व सहायता समूहों को बनाने की योजना है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सरकार किस वर्ष तक भारत के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना केंद्र स्थापित करने की है? तो सरकार के द्वारा 2020 तक भारत के हर एक ब्लॉक में कम से कम एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नाइन, 8 मार्च 2020 को महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का पुरस्कार समारोह किसने आयोजित किया है? तो इस पुरस्कार समारोह को आयोजित किया है नीति आयोग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, नारी शक्ति पुरस्कार 2019 कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 15 महिलाओं को, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।